ये देखो भाई, इसमें हर टाइम पानी चलता रहता है। इसके अंदर पानी रिसता रहता है, आप शायद देख ही रहे होंगे। ये प्योर पानी है भाई, प्योर बिल्कुल साफ पानी। ऑन कर दिया है। एक बार रात को लुक देखो बाइक की भाई, चेक करो। आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई, दिवाली आ ही चुकी है, तो सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और मेरी सेकंड वीडियो भाई बहुत ज़्यादा, मे भी काफ़ी टाइम हो गया, 20-21 दिन हो गए उसके बाद आ रही है, तो उसके लिए भाई मैं माफ़ी चाहूँगा। तो भाई, आज का क्या सीन है कि आज एकदम सडनली एकदम से प्लान बन गया पहाड़ों में घूमने का। और आपको मैं सच बताऊँ तो मैं काफ़ी, मे भी 70-80% रास्ता में कवर कर चुका हूँ, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो भाई, मोटो व्लॉगिंग वैसे मैंने आज तक की नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो चलो देखते हैं क्या रहता है। तो चलो चलते हैं आगे। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, आज हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, थोड़ा अभी आए नहीं, अभी आएंगे, तो चलो चलते हैं देखते हैं क्या रहता है। भाई, कोई गलती हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। 5:55 हो चुके हैं। एंगल पता नहीं भाई क्या सहारा होगा। देखो भाई, स्टार्टिंग आ गई पहाड़ों की। भाई, मैं घर से चला हूँ लगभग 70 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। तो भाई, बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा, सीरियसली भाई। तो भाई, आप चेक करो, अभी हल्के हल्के पहाड़ आने शुरू हुए हैं, आगे आएंगे अभी। आज भाई शाम को 4 बजे एकदम से प्लान बना भाई आने का। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं आज यहाँ पे आऊँगा, और काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, तो मेरा सेकंड वीडियो नहीं आ पाई भाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चेक करो, ये आ चुके हैं हम पहाड़ों पे भाई। मज़ा, क्या मज़ा आ रहा है भाई, लिटरली यार। आज बताऊँ, मेरे पैसे वसूल हो गए जो इस बाइक के लिए लगाए हैं। तो भाई, ये रहा अपने पहाड़, हिमाचल में आज हम आए हैं, शुरुआत हो चुकी ही है पहाड़ों की। तो देखो भाई, आज भाई मैंने इसके टॉप स्पीड चेक करने की कोशिश की थी, 140 के अराउंड गई है। तो किसी दिन स्पेशल टाइम निकालेंगे इसका टॉप स्पीड को चेक करने के लिए। भाई, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, कैसी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और जो मैं अपना माइक लेके आया था भाई, वो घर भूल गया। तो मैंने ऐसे ही किसी शॉप पे आते हुए ये ईयरफोन का माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ काम चलाने के लिए भाई। और देखिए भाई, काफ़ी रात हो चुकी है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गया, पर बाकी V3 से V4 का इसके जो ये लाइट आगे की, इसके भाई बहुत इम्प्रूवमेंट की गई है, सीरियसली भाई मज़ा आ गया। भाई, इन पहाड़ों के मोड़ों पे जो NH नहीं होते, जो ये सिंपल लिंक रोड होते हैं, इन पे भाई हम 40 से ऊपर चला ही सकते हैं, 40-45 हद 50, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो भाई, फर्स्ट टाइम मैं अपनी बाइक, क्या फर्स्ट टाइम मैं R15 को पहाड़ों में चला रहा हूँ भाई। आप ये चेक करो, देखो मैं आपके सामने का व्यू दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, हम लगभग पहाड़ों के अंदर आ चुके हैं, और भाई ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ, इसके आगे से हिमाचल शुरू हो जाएगा। तो भाई, विजिबिलिटी देखो बाइक की, क्या विजिबिलिटी है यहाँ। मेरे रिलेटिव्स रहते हैं पहाड़ों में हिमाचल में, तो वो मेरे सिस्टर का बर्थडे है, वो अभी काफ़ी छोटी है,
7-8 साल की, तो मेरे रिलेटिव्स बोल रहे थे कि उसके बर्थडे पे ज़रूर आना है। मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, तो शाम को उन्होंने फ़ोन किया कि आना तो पड़ेगा आप एकदम से भाई, तुम्हारे भाई ने इंडिया आने का। तो भाई ये देखो, भाई ये देखो, मज़ा ही आ गया भाई, अकेला आया हूँ भाई। आने वाली वीडियोस में इसका स्पीड टेस्ट, माइलेज टेस्ट और क्विक शिफ्टर वगैरह सबकी बात करेंगे। अभी तो आप मज़ा लीजिए पहाड़ों का। ये देखो भाई, भाई नीचे से ऊपर इतनी ठंड है ना, यहाँ पे पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड है ना भाई। मैं घर से इसलिए पहले कोट डाल के आया था। आई एम सॉरी, थोड़ी रात हो चुकी है, दिन में अगर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता बाइक चलाने में भी और इस वीडियो में भी। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बन रही होगी, एक तो फर्स्ट टाइम मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे पास पूरे इक्विपमेंट भी नहीं है। चलो भाई, थोड़ा डर भी लग रहा है। भाई लगातार हम चढ़ाई पे रहे भाई। जब मैं अपनी स्प्लेंडर पे आया करता था तो भाई सेकंड गियर, थर्ड गियर, हद थर्ड गियर, तो भाई मतलब अगर बहुत ज़्यादा खींच के आप बाइक चलाते हो तो जाके थर्ड गियर मांगेगी बाइक, वरना नहीं। और भाई इस बाइक का पता ही चल रहा है आपको, मैं अंकल देखो नीचे करके दिखाता हूँ, इसका फिफ्थ गियर में चल रहा है अभी ये, और हम लगातार चढ़ाई पे चढ़ते जा रहे हैं हाइट पे। ये फिफ्थ गियर में चल रही है भाई अपनी बाइक अभी। और भाई ठंड, अरे ठंड लगातार बढ़ती जा रही है भाई, मज़ा बहुत मज़ा आ गया भाई। जब किसी बंदे का ड्रीम पूरे होने लगते हैं भाई, मतलब तब लगता नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। मैं भी आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब भाई मुझे याद है, आपको टाइम की बात सुनाता हूँ। मैं छोटा सा था 6-7 साल का, तो क्या होता है एक स्पोर्ट्स बाइक, मुझे नहीं पता उस टाइम पे वो कौन सी बाइक रही होगी, वो पास से निकली, मैं आगे बैठा था टंकी पे बाइक की, पापा चला रहे थे। तो पापा कहते मुझे कि बड़ा होके तो भी ऐसी बाइक लेगा। मुझे उस टाइम सच में नहीं पता था कि स्पोर्ट्स बाइक क्या होती है, मैं काफ़ी छोटा था। तो मैं क्या हांजी लेनी है, उसमें ख़ास बात क्या थी कि आगे से झुक के चलाना पड़ता है स्पोर्ट्स बाइक में, काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन होती है ना, तो आगे से थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है। तो मैं क्या हाँ लूँगा। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया भाई, मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स बाइक में बढ़ता गया। तो V3 अपना ड्रीम थी भाई उस टाइम, मेरे पास इतना सर्कल नहीं था कह सकते हो आप। तो भाई V4 के लिए हमने बहुत मेहनत किया है, आपको मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में कैसे मैंने मेहनत की है। तो अभी तो आप मज़ा लीजिए, लगातार भाई हम हाइट भी चढ़ते जा रहे हैं। और भाई एक बात बताऊँ आपको, बाइक बिल्कुल भी फील नहीं हो रही दे रही है कि हाँ इसके ऊपर थोड़ा लोड पड़ रहा है, बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से चल रही है भाई बाइक। और भाई ये यहाँ पे जगह है, यहाँ से ये पहाड़ नीचे सरक गया था भाई, अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, रात होगी आगे तो लाइट पड़ रही है, आप देख सकते हैं। ओह हो हो, ये आ गए, भाई वीडियो क्वालिटी अभी मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी नहीं होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर कोई बात नहीं एकदम से। भाई सीरियसली बताऊँ, आज मेरा कोई भी प्लान नहीं था ना आने का ना वीडियो बनाने का, एकदम से प्लान बना और आधे रास्ते में आके मुझे याद आ गया। ओहो, मैं क्या आधे रास्ते में आके मुझे याद आया कि मेरा यूट्यूब चैनल भी तो है भाई, उसको कब आगे ले जाएगा। तो भाई हाफ रास्ते में आके मैंने अपना फ़ोन चेक किया और ये जो मोटो व्लॉगिंग का ये जोड़ा सेटअप है हेलमेट के ऊपर लगता है, ये मेरे बैग में ही था। आपको मैं बता दूं, मैं अपने कॉलेज में और अगर मैं बाहर जाता हूं तो मैं एक ही बैग रखता हूं,
कॉलेज के लिए, तो मेरे पास एक कॉपी रहती है, तो उसी में अपना सारा सेटअप पड़ा था, माइक मेरा घर रह गया था। तो रास्ते में से ही मैंने एक ईयरफोन से भाई काम चला रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ईयरफोन से मैं काम चला रहा हूँ। और भाई चलो, शायद आपको मज़ा आ रहा होगा भाई, मुझे नहीं पता है कैसी वीडियो बन रही है, चलो देखो क्या रहता है। तो भाई लगभग लगभग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, हज़ार्ड मैंने ऑन कर दिया है। एक बार रात को लुक देखो बाइक की, भाई चेक करो, आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ थर्ड गियर में। अबे हो जा भाई न्यूटन, ये देखो भाई काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ये अपनी बाइक स्टार्ट है, तो चेक करो। फर्स्ट टाइम भाई हम इसको पहाड़ों में लेके आए हैं, कोई बात नहीं, वापसी में मैं दिन में ही आऊँगा, उस टाइम आपको थोड़ा अच्छे से दिखा पाऊँगा शायद। चलो इधर से भाई, डर भी लग रहा है, सभी के सभी देख रहे हैं ये क्या कौन चल रहा है। अभी मैं एक शॉप पे रुका था पूछे, तो वो मेरे हेलमेट को देख रहे थे कि चल क्या रहा है, ये क्या इसने लगाया है हेलमेट, क्या है। तो भाई जिस जगह पे मैं आ गया हूँ, इसका नाम है जोड़ियों, जोड़ियों नाम से बोला जाता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब भाई लगातार जाना है, घग्गर नदी आएगी, वहाँ पे एक मंजिल है अपनी। गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गाड़ी को साइड में रोक देते हैं, मैं भी लाइट इसी की दिखानी पड़ेगी आपको। पहाड़ों में गजब चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको जो होती है भाई, ये देखो चेक करो, ये भाई मतलब जहाँ से पहाड़ों में पानी रास्ता रहता है ना हर टाइम, मतलब 12 के 12 महीने यहाँ पे पानी रास्ता रहता है। इसको शायद देसी लैंग्वेज में बोड़ी बोलते हैं, हमारे तो बोड़ी कहते हैं, बाकी मुझे पता नहीं, आपको दिखा देता हूँ, साथ में पानी पियेंगे। इसका पानी बहुत जैसा आरओ का होता है ना फिल्टर पानी, ऐसा होता है। तो मैं आपको बाइक की लाइट में दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो भाई इसमें हर टाइम पानी चलता रहता है, इसके अंदर पानी रिश्ता रहता है, आप शायद देख ही रहे होंगे, ये प्योर पानी है भाई, प्योर बिल्कुल साफ पानी। इसको भाई हम पी भी सकते हैं, अभी हेलमेट लगा हुआ तो भाई पी तो मैं सकता नहीं, आपको ये दिखानी थी, अच्छी चीज़ है भाई ये। जैसे मोस्टली मैंने पहाड़ों में देखा है लोग पैदल ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, पैदल ही चले जाते हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल ही हो जाते हैं, हमसे तो चला नहीं जाता। तो ये ऐसे छोटे छोटे बॉडी बना देते हैं, बॉडी बोलते हैं इसको शायद, तो यहाँ से वो पानी पीते हैं, कई बंदे इसमें गाड़ियाँ भी धोते हैं। तो भाई चलो ये था, आपको दिखा देता हूँ मैं, मुझे बाइक मोड़नी पड़ी। तो भाई मुझे तो मज़ा आ गया व्लॉग बना के भी और बाइक को राइड करते हुए भी, मुझे नहीं पता था कि व्लॉगिंग में इतना मज़ा आता है। मैं पहले सोचता था कि क्या है यार ये फालतू के पंगे, पर नहीं भाई मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। टाइम अच्छा राइड करते हुए टाइम अच्छा पास हो जाता है, साथ के साथ व्लॉग बन गया, राइड हो गई, और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। आपको तो भाई ड्राइविंग इतनी पसंद है, चाहे एक गाड़ी होनी चाहिए, उसमें तेल फुल होना चाहिए, और बस रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ।
अपना भाई अपना, थोड़ा नाइट का समय यार। आर्न 5 की बस है एक, वैसे इसको ड्रॉबैक भी नहीं बोल सकते, इसकी खासियत भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक भी कि इसमें काफ़ी अग्रेसिव पोजीशन है। देखो मैं पीछे है ना, ऐसा लगता है बहुत आगे जगह पड़ी है, और जब इसको राइड करते हैं तो भाई यहाँ पे हथेलियों में एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। शुरू शुरू में भाई जिस दिन मैं अपनी गाड़ी लेके आया था, तो जहाँ से मैंने एक बाइक निकलवाई थी वहाँ से घर था 30-35 किलोमीटर लगभग, और जब मैंने इसको चलाया भाई घर आके हथेलियाँ हो और एक बैक पेन इतना ज़्यादा, पर अब यूज टू हो चुका हूँ भाई। आज मैंने ये गाड़ी नियर अबाउट 105 किलोमीटर चला ली होगी, तो आज दर्द है पर पेन है काफ़ी कम है पहले से, अब यूज टू हो चुका हूँ ना इसलिए, तो ठीक है यार सब कुछ सही है। ये देखो आगे से गाड़ी आ रही है और विजिबिलिटी ज़ीरो, तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आपको पता ही है, सब्सक्राइब बेल आइकन को सब पता है गुरुजी आपको। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो चलाता रहूँगा, और मुझे तो आ गया भाई मज़ा, मे भी आपको भी आया होगा, तो थैंक यू गाइस। देखो मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ।